प्रणाम। सविता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी की कोफ्ते। आइए जान लेते हैं इसके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लौकी ली हुई है, आधा कटोरी बेसन लिया है, मेथी दाना लिया है और तेज पत्ता लिया है, काली मिर्च ली हुई है साबुत, गरम मसाला पाउडर लिया है, ये घर का बनाया हुआ गरम मसाला है, नमक, धनिया, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। लौकी को मैंने छील लिया है, मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। ज़्यादा मोटी साइड से नहीं करना है, ये महीन वाली साइड है, एक हिस्से महीन है, बीच वाली साइड से करना है इसको। लौकी हमारी ग्रेट हो चुकी है, हम इसको अच्छे से दबा दबा कर पानी निकाल लेंगे इसका। ये देखिए, मैंने इसका पानी निकाल लिया है अच्छे से दबा दबा कर। ये देखिए, इसमें इतना सारा पानी निकला है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको बाद में हम सब्जी में डाल देंगे। अब लौकी और बेसन को फेंटने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे। बेसन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे ज़्यादा ना हो जाए। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें बेसन मिला लिया है, ये अच्छे से इसमें लौकी चिपक नहीं रही है, इसका मतलब इसमें थोड़ा बेसन और जाएगा। अब जो बेसन बचा हुआ है उसके हम और डाल लेंगे। हमने सारा बेसन इसमें डाल लिया है, पूरा आधा कटोरी, हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाकर 2-3 मिनट तक उसको फेंटेंगे। जिस तरह पकौड़ी बनाने के लिए हम बेसन को फेंटते हैं, ठीक उसी तरह इसको भी फेंट लेंगे। ये देखिए, बेसन हमारा फेंट चुका है अच्छे से। तब तक हम कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म होने रख देते हैं। इसके लिए मस्टर्ड ऑयल चाहिए होगा। इसको डीप फ्राई करेंगे हम। तेल धुआं छोड़ने लगे उसके बाद ही पकौड़ी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेंगे, नमक बिल्कुल बाद में इसमें मिलाएंगे वरना ही पानी छोड़ने लगती है लौकी। अब कोफ्तों को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक काली मिर्च ली हुई है, ये देखिए, एक काली मिर्च लूँगी मैं और थोड़ा सा इसमें से बैटर लेके इसके अंदर डाल दूँगी मैं इसके
अंदर दबा दूंगी। इसको गोल गोल शेप देके, देखिए गोल गोल हो गया है। अब इस कढ़ाई में डाल देंगे हम, अब इधर बनाकर रख लेंगे हम। फिर से एक काली मिर्च लेंगे हम, फिर इसको इसके अंदर दबा देंगे अंदर। फिर इसको बना लेंगे अच्छे से गोल गोल बिल्कुल। फिर से एक काली मिर्च लेंगे हम, फिर इसको दबा देंगे अंदर। इस तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे और एक साइड से रख लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम कोफ्तों को इसमें डाल देंगे। ऑयल में एक एक करके सारे कोफ्तों को डाल देंगे इसमें। गैस को मैंने हल्का कर रखा है। तक हम गैस पर पानी गर्म होने रखते हैं, उबलने के लिए रखते हैं, बिल्कुल खोल जाए अच्छे से। इसको हम अच्छे से चला चला कर सेक लेंगे, जिससे कि चारों तरफ से एक जैसे सीखें। सीख चुके हैं, हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम एक बड़ा सा कोफ्ता डालेंगे। जितना बैटर बच गया है वो सारा डाल देंगे इसके साथ। अब इसको सेक लेंगे हम, ज़्यादा नहीं सेकना, हल्का हल्का ही सेकना। ये हमारा देखिए सीख चुका है, इसको ज्यादा नहीं सीखना है। पानी हमारा बॉईल हो चुका है, अब हम गैस को ऑन करेंगे और उसी कढ़ाई में हम सब्जी को बना लेंगे जिसमें हमने कोफ्ते निकाले हैं। ये देखिए कोफ्ते बनकर हम रेडी हैं। देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, बेसन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा आपको, सिर्फ लौकी दिख रही है इसमें। बहुत सॉफ्ट बने हैं ये। पानी को हम 2 से 3 मिनट तक उबलने देंगे। सबसे पहले हम इसमें ऑयल में मेथी डालेंगे। मेथी को काला नहीं होने देना है, तेज़पत्ता डालेंगे इसमें और इन मसालों को डाल देंगे और साथ में इसमें पानी डाल देंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका था। फिर से इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें लौकी का बचा हुआ पानी डाल देंगे। इस पानी में अच्छे से उबाल आ गया है,
अब जो पानी मैंने पहले से उबाल कर रखा था उस पानी को हम डाल लेंगे। थोड़ा ज़्यादा ही पानी रखेंगे, अगर आप सब्जी को गाढ़ी करना चाहते हैं तो कम पानी डालेंगे। अब इसको थोड़ी देर खुला लेंगे। अब 2 मिनट तक पानी को हम ऐसे ही उबलने देंगे। पानी अच्छे से उबल गया है, अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे, सारी कोफ्ते डाल देंगे सारे। हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, ढक देंगे इसको। आधा ढका है मैंने, आधा खोल रखा है, इस तरह से आप भी ढकें इसको। गैस को कम कर दें। अब मैंने बड़ी वाली पकौड़ी ली है और जो पानी मैंने उबाल कर रखा था, बॉईल करके रखा था, अब मैं उस पानी को इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मसल लेंगे। इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। ये मैंने अच्छे से मसल ली है, अब हम इसको सब्जी में ही डाल देंगे। इससे सब्जी हमारी गाढ़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। फिर से इसको ढक देंगे और पकने देंगे। सब्जी को बनते हुए पूरा 5 मिनट हो चुका है, हम सब्जी को देख लेंगे। ये पक चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए, ये देखिए। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। लौकी के कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको आप पूड़ी या पराठे के साथ खाइए।